लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शुरू हुई सिर्फ डब्बल, सुहेल अंसारी ने प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्रजलाल खाबरी पर टिकट बेचने का आरोप उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं उनसे पार्टी चलने वाली नहीं है, निकाय चुनाव में टिकट वितरण भी ठीक से नहीं हुआ है, तो कांग्रेस की जो सिर्फ डब्बल की आदत है वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान होते हुए उस राज्य में भी आ गई है जहां पर अस्तित्व का संकट है। और लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस में सिर्फ डबल शुरू हो गई है। सुहेल अंसारी ने प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्रजलाल खाबरी पर उन्होंने टिकट बेचने तक के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं उनसे पार्टी चलने वाली नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि निकाय चुनाव में टिकट वितरण ठीक से नहीं हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट बांटा, जो दायित्व बनता था उत्तर के अध्यक्ष को बांटने का, वो प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट बांटा। और 73 का उन्होंने ये कहा कि ये सिंबल हम फ्रीज करते हैं और इस सिंबल पे कोई नहीं लड़ेगा। कुछ लोग मिली भगत करके सिंबल उसको बेच दिया, और बेच के जो पुराना प्रत्याशी था उसको दे दिया 3 बजे, और दे दिया तो वो प्रत्याशी लड़ा और जीत गया। लेकिन इसमें हम लोगों ने कोई भीतरघात नहीं किया। जब वहाँ सिंबल अलाउ जो हुआ था सिंबल, वो शादाब आलम के नाम हुआ था, वो लिस्ट में भी नाम उसी शादाब आलम था। ऊपर से फ़ोन आता है उत्तर के अध्यक्ष को, सब शादाब आलम को आप टिकट नहीं दोगे। टिकट तो वहाँ बांट रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष बांट रहे थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष बांट रहे थे, वही जिम्मेदार हैं। किसी से ना पूछेंगे ना गचेंगे, किसी से कोई बात नहीं करेंगे, कोई मशवरा नहीं लेंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष से भी नहीं लेंगे, अपने मन से पूरी कांग्रेस चला रहे। तो कांग्रेस चलाने वाले जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं वो ऐसे कांग्रेस को चलाएंगे तो ऐसे कांग्रेस चलने वाली नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसी महीने बदलाव होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, केंद्र सरकार में यूपी के मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी और दलित मंत्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक पर भाजपा का फोकस है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बढ़ेगी मंत्रियों की हिस्सेदारी। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 लोकसभा सीटें, और सबसे बड़ी बात की मध्य प्रदेश से भी अच्छा सपोर्ट मिलता है भाजपा को। 29 में से 28 लोकसभा सीटें वहां से जीती थी भाजपा ने, तो इसलिए मध्य प्रदेश भी फोकस में है। भाजपा का 2024 के लिए सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने पर जोर है, और शाहजहांपुर से सांसद अरुण कुमार सागर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा को एक बार फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। पहले कार्यकाल में मंत्री थे लेकिन दूसरे में मौका नहीं मिला, लेकिन अब जानकारी मिल रही कि मंत्री बनाए जा सकते हैं। बूथ पे कार्यक्रम चलता रहता है, समाजवादी पार्टी के लखनऊ में कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्दी ही विस्तार हो सकता है, फिर बदल हो सकता है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के हिस्से से जो मंत्री हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, दलित मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यूपी बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सीटें वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो साल के अंत में यहाँ से चुनाव होने हैं, और इसलिए भी यहाँ के कोटे से मंत्री केंद्र में बनाए जा सकते हैं। भाजपा का 2024 के लिए सामाजिक समीकरण का दुरुस्त प्लान करने पर जोर है, और जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें हैं अरुण कुमार सागर, हरीश द्विवेदी, गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा, ये नाम अभी निकल कर आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हरीश द्विवेदी की बात करें, ब्राह्मण चेहरा है, कई समितियों के सदस्य भी रहे हैं, और जिस तरीके का उनका राजनीतिक अनुभव उसके मद्देनजर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। ब्राह्मणों की जो राजनीति चल रही है उसको भी साधा जा सकता है। वहीं अगर हम अरुण कुमार सागर की बात करें, शाहजहांपुर से भाजपा के सांसद हैं और दलित नेता हैं अरुण कुमार सागर, तो दलितों को साधने के लिए उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। दलितों में अरुण कुमार सागर की अच्छी पकड़ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।